हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, मैं बैठी हूँ अभी ब्लॉग रूम में, एंड ब्लॉग रूम में हमारा जो माइनर ओटी होती है या फिर हमारा जो एक ब्लॉग रूम होता है जहाँ पे हम पेशेंट को ब्लॉक लगाते हैं, मींस ऑपरेशन से पहले, तो मैं बैठी हूँ वहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारी अलमीरा है और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें अपनी अलमीरा को हम कैसे सेट करते हैं। बट मैं अलमीरा ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ, बट मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी होती है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो क्या है ओटी का सीखना चाहते हैं कि ओटी का प्रॉपर कैसा होता है। सबसे पहले जो ओटी की स्टार्टिंग होती है वो ये होती है कि भाई ओटी का अगर सामान आया है तो उसको आप कैसे सही जगह पे लगाओगे और कौन सी चीज़ आपको कहाँ लगानी होती है। तो बेसिकली हमें नीड होती है टू अलमीराज की, तो हम ले लेते हैं टू अलमीरा, एंड एक हमारी बाहर है एक यहाँ है। तो यहाँ के लिए मैंने थोड़ी बड़ी अलमीरा ले ली है जिसकी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। एंड उसने सारा सामान कैसे लगाया एंड उसके बाद उस सामान को क्या है, देखो एक चीज़ में ये भी रहती है कि सामान किसी और ने लगाया है बट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सामान कहाँ लगाए। तो उसके लिए हमें ये ऐसे एक चिट टाइप से एक प्रॉपर लिख करके लगानी होती है, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें मैंने सारे इंजेक्शन के नेम रख दिए हैं, जैसे कि ये सारे मेरे पास इंजेक्शन हैं जो हमारे यूज़ होते हैं ओटी में, एट द इमरजेंसी में या फिर वैसे। तो सारे इंजेक्शन के नेम मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। सो अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी अलमीरा पे जिसमें मैंने सामान लगा के रखा है, एंड हम सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई कौन सा सामान हमें कहाँ लगाना चाहिए और कौन सा सामान हमारा यूज़ होता है ओटी में, एंड ओटी का ही कौन सा सामान जो है वो स्ट्राइशन के लिए ऑटो क्लेव में यूज़ होता है, तो वो हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है हमारा ब्लॉक रूम, एंड यहाँ पे ये है हमारी ओटी का ब्लॉक रूम, ये हमारा ब्लॉक रूम है, एंड ये है हमारे ब्लॉक रूम में अलमीरा जो हमें अपना ओटी का सामान रखने के लिए नीड होती है। तो चलिएगा हम इस अलमीरा को देख लेते हैं। अलमीरा आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अलमीरा है, एंड इसमें मैंने सारा ओटी का सामान कैसे लगाते हैं वो ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ हमें बेसिकली कैसे लगाना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलमीरा को खोल लेते हैं, और अलमीरा खोलने के बाद जैसा आप यहाँ पर काफ़ी सारे इंजेक्शन भी देख पा रहे हैं, डिस्पो भी देख पा रहे हैं, एंड काफ़ी सारे इंजेक्शन के साथ साथ हमारे जो इंट्राओकुलर लेंस होते हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, एंड यहाँ पे कैरेटोम एंड क्रिजेंट रखे। बट यहाँ पे रखने वाली चीज़ क्या है, जैसे कि हम जनरली अपनी अलमीरा को में इसमें सामान लगा सकते थे भाई कुछ का कहीं, बट हमने इसको कैसे लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ हमारा आरएल वाटर आ गया, ये हमारी आ गई वर्ड्स, ठीक है वर्ड्स यूज़ होती हैं, बट उससे पहले हमें इनको स्ट्राइल करना होता है, एंड ये तो हमारा बॉटल लग जाए क्योंकि कांच का बॉटल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। उसके बाद ये हमारी डिस्पो आ गई, डिस्पो हमारा 2 ml, 5 ml एंड 10 ml, ये 5 ml है, ये 10 ml है, ये 2 ml है, क्योंकि ये तीन तरह की डिस्पो हमारी यूज़ होती हैं ओटी में। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं अपने इंजेक्शन पर, तो हमारे पास दो इंजेक्शन ये हैं हमारे D25 के दो इंजेक्शन हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ ये सारा सामान मैंने कैसे लगाया। तो अब इस रो में हम केवल इंजेक्शन की बात करें, तो ये हमारा मैनिटोल का है, तो इस वाली रो में हमारे सारे आपको इंजेक्शन मिल जाते हैं। इसमें हमारे कई तरह के इंजेक्शन हैं, एंड यहाँ पे हमारे कई तरह के इंजेक्शन आपको सारे इस रो में आपको सारे इंजेक्शन मिल जाते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हमारे कुछ इंजेक्शन हैं इधर, एंड इसके बाद हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, विस्को हो गया, टाइपेन ब्लू हो गया, एंड लेंस हैं। सारे लेंस मैंने एक जगह रखी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ताकि हम ईज़िली देख लें। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, मैंने सारे इंजेक्शन को ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हम फ्रंटली देखेंगे तो सब पावर हमें यहाँ पे मिल जाती है। भाई मेरे को 19.5 का चाहिए डायप्टर का या फिर 21 डायप्टर का चाहिए, तो यहाँ से मैं ईज़िली देख पाऊँगी, इसलिए मैंने इनको एक प्रॉपर तरीके से लगाया है। देन नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं अपने कैरेटोम एंड क्रिजेंट। कैरेटोम क्रिजेंट को मैंने यहाँ पे लगाया, जो कि हमारा कैरेटोम क्रिजेंट होगा। उसके बाद डिस्पो वेन है यहाँ पे हमारा, एंड यहाँ पे हमारा आईवी सेट है, नीचे जो भी हमारा लेंस का सामान रहता है वो सारा नीचे कर दिया। यहाँ हमारा कॉटन वर्ड था, यहाँ पे हमारा सर्जिकल ग्लव्स लगे हैं। सर्जिकल ग्लव्स मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लगाए हैं, यहाँ पे ताकि नंबर पता चले। देखिए सर्जन का इन अलग अलग नंबर होता है, कोई 6.5 का पहनता है अकॉर्डिंग टू अपने हैंड के, एंड हैंड्स उनका हैंड उनके थिन हैं या फिर थिक हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो सेबिन का है मेरे पास 6.5 का भी है, ठीक है, एंड 7.5 का भी है। तो मैंने यहाँ पे तीन तरह के ग्लव्स ले लिए हैं, देन जो सर्जन को फिट हो। सो गाइज, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बनाना है सबका स्लिप, और स्लिप बना करके हम लगाएंगे, उसके बाद अपना आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सो जब के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।